स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम आपको साइड मिरर खोलना बताएंगे कि साइड मिरर कैसे खोला जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक साइड मिरर होगा, लेकिन आप मैनुअल भी ऐसे ही खोल सकते हैं, बस एक कपलर का फ़र्क रहता है। तो आईडेंटिटी स्पोर्ट में हम ये करके दिखाएंगे, बाकी गाड़ियों में भी लगभग ऐसे ही खोला जाता है। तो साइड मिरर खोलने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, चलिए हम आपको वो दिखाते हैं। पहले तो साइड मिरर लगा बाहर रहता है, लेकिन उसको खोला अंदर से जाता है, अंदर से ही बांधा जाता है। तो साइड मिरर खोलने के लिए आपको सबसे पहले आपको ये वाला ढक्कन हटाना पड़ेगा, और वो स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से हटेगा। तो पहले उस ढक्कन को हटा लेते हैं। तो इसको जो है यहाँ साइड से आप इसको आगे निकाल सकते हैं, ये देखिए कितनी आराम से निकल गया है। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक साइड मिरर है, तो आपको ऐसा एक कपलर मिलेगा जिसको आपको हटाना पड़ेगा परमानेंट हटाने के लिए। बाकी ये तीन स्क्रू आप देखेंगे इसके अंदर, सॉरी नट बोल्ट देखेंगे इसमें, मिलेंगे आपको तीन, एक दो और तीन, ये तीन आपको खोलने पड़ेंगे तब आपका साइड मिरर निकलेगा। और बाकी साइड मिरर का कपलर हटाने के लिए ये पिन जो है ये वाली पिन आपको प्रेस करनी पड़ेगी, और प्रेस करके यहाँ से जो है इसको बाहर खींच लेना होगा, ये हाथ से भी निकल जाएगा आपका। इसको प्रेस करके इसको बाहर खींच लेंगे तो ये हट जाएगा कपलर, और ये स्क्रू पहले खोलेंगे। तो गाइस अगर आपके पास 10 नंबर रिंच है तो आपको ये खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास नहीं है। तो हम ये भी आपको खोल के दिखाएंगे कि किस तरीके से ये खोला जाता है। चलिए ये भी देख लेते हैं इसको खोलने के लिए क्या क्या करना पड़ा। तो इसको खोलने के लिए आपको टोटल एक इसमें स्क्रू लगा हुआ उसको खोलना है, फिर एक इसके अंदर स्क्रू लगा है, ये सब छिपे रहते हैं ये इसके अंदर है, और एक यहाँ पर है। बाकी आप कई गाड़ियों में साइड में भी दे रहते हैं तो चेक कर लेंगे, तो इसमें साइड में नहीं दिया हुआ है। तो पहले दो स्क्रू खोल लेंगे। तो खोलने से पहले इसका ढक्कन हटाना पड़ेगा, तो पहले इसका ढक्कन निकालेंगे। इसमें पेचकस क्लिप लगी होती है, हम आपको दिखा रहे हैं एक बार और। ये हमने ढक्कन हटाया, तो इसमें आप ये पेच देखेंगे, वैसे ही इसमें हटाएंगे। और अब आपको करना ये है कि नीचे से पेचकस लगाना है, यहाँ पे जगह दी रहती है, और इसको जो है बाहर की तरफ खींच लेना है। ये बाहर आ जाएगा, इसको पूरा नहीं हटाएंगे। और ज़्यादा से 10 mm का नट बोल्ट इसमें यूज़ होते हैं, तो इसको खोल लेंगे। खोलते समय तो खुल गया है, हम पूरा अटैक नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ ढीला करेंगे। तो ये तीन पेच खोलने हैं, और जब आपको खोलना है तो साइड मिरर बाहर से पकड़ लेना, वरना ये जैसे ही खुलेगा वो गिर जाएगा। अभी हम ढीला कर ले रहे हैं। जब सारे स्क्रू खुल जाएंगे तो एक हाथ से बाहर की तरफ पकड़ेंगे और इसको खोल लेंगे। और ये बाहर खींच लेंगे बाहर के साइड, तो ये साइड मिरर आपका बाहर आ जाएगा। अब इसी तरह इसको बांधेंगे भी, तो सबसे पहले जो है इसको प्लेस कर लेंगे, और जितने बोल्ट निकाले तो उसको टाइट कर देंगे। कपड़ा लगाने का वही तरीका, इसको जगह पे लगा के प्रेस कर देना है,
और ये साइड मिरर आपका लग जाएगा, साइड मिरर लग गया एक बार चेक। तो ये साइड मिरर लग गया, अब एक बार चेक कर लेंगे इसको, ये लगा है कि नहीं लगा है। तो ये सही काम कर रहा है, मतलब ये सही से लग गया है। अब इसका कवर लगा देंगे। हार्डबोर्ड लगाने के लिए सबसे पहले आपको हार्डबोर्ड लगाने के लिए इसको पहले ऊपर से अपनी जगह पर रखेंगे। और जो दो पेज खोले थे उसको लगा देंगे। और इसको लगाने के लिए बस इसको ऐसे लगाना है, ऐसे ठोक देना है और ये लग जाएगा। तो गाइस हम उम्मीद करते हैं आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज की वीडियो में इतनी ही, जल्दी अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।